जी हिंद दोस्तों, तो तैयार हैं सब, स्टार्ट करें। ये सीरीज हमारी चल रही है प्रॉफिट लॉस की, और 2024 में बहुत सारे आपके एग्जाम होने वाले हैं, बहुत सारे मौके हैं आपके पास एसएससी के, रेलवे के, उन सभी एग्जाम के लिए मैथ्स का जो सिलेबस है वो पूरा सिलेबस हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं। तो हमने ऑलरेडी परसेंटेज का टॉपिक पढ़ लिया, प्रॉफिट लॉस में हम बहुत कुछ टाइप आपको पढ़ा चुके हैं, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। आज प्रॉफिट लॉस के हम एक और टाइप की क्वेश्चंस को समझेंगे। बाकी यदि आप लाइव क्लासेस जुड़ना चाहें तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, MPIQ ऑफिशियल, अभिषेक मिश्रा MPIQ के नाम से ये आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। आप वहां लाइव क्लासेस ले सकते हैं और वहां भी आपको बहुत सारे फ्री नोट्स जो हैं, जो PDF वगैरह हैं, वो सारा आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक, प्रॉफिट लॉस में एक टाइप क्वेश्चन आपका बनता है इस टाइप का कि कोई व्यक्ति है, 2 रुपए में 3 की दर से कुछ चीजें खरीदी, 3 रुपए में 5 की दर से बेच दी। इस पैटर्न पे आधार पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो लगभग मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं। थोड़ा बहुत चेंज कर करके जो टाइप बनते हैं वो सारे टाइप हम करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम इसी से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक, देखो एक जनरल सी बात यदि मैं बोलूँ कि मान लो आपने ऐसे 5 मार्कर खरीदे 100 रुपए में और ऐसे 5 मार्कर आपने 120 में बेच दिए। सर आप 100 रुपए में खरीद के लाए थे, 120 में बेच दिए, आपको 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। लेकिन यदि मैं ये बोलूं कि आप 5 मार्कर खरीद के लाए थे 100 रुपए में और 4 मार्कर आपने 100 रुपए में बेच दिए, अब आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि आपको प्रॉफिट कितना है या लॉस कितना है। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी बराबर नहीं है। मैंने आपसे बोला कि 5 मार्कर आपने खरीदे हैं और आपने सेल किए हैं 4 मार्कर, तो एक्चुअल में लॉजिक ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन में क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। क्वांटिटी इक्वल है तो काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें तो कह रहा है कि 2 रुपए की 3 की दर से सेब खरीदे, मतलब हमने खरीदे कितने, 3 सेब, और कितने रुपए में खरीदे हैं, 2 रुपए में, 3 सेब खरीदे हैं 2 रुपए में, और हम बेच रहे हैं 3 रुपए के 5 की दर से, मतलब 5 सेब हमें बेचने हैं और 3 रुपए में हम बेच रहे हैं। तो यहाँ क्वांटिटी अलग अलग है। आपने खरीदे जो सेब हैं वो आप खरीद रहे हैं 3 रुपए में, ठीक है, और आपने जो बेच रहे हैं वो बेच रहे हैं आप 5 सेब। तो पहले भी ये क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए। हमने 3 सेब खरीदे हैं, 5 सेब बेचे हैं, क्वांटिटी इक्वल कर रही हैं। तो इसको यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ 3 से, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है एक्चुअल में। यहाँ 5 से होगा और यहाँ 3 से। मुझे पता है कि यदि मैं यहाँ 5 से करूंगा तो यहाँ भी 5 से हो जाएगा, तो ये 5 3 15 होगा और ये 5 2 10 होगा, और ये 3 5 15 और 3 3 9, मतलब मैंने 15 oranges 10 रुपए में खरीदे हैं और 15 oranges 9 रुपए में बेचे हैं, तो मुझे कितना लॉस है, 1 रुपए का, और किस पर लॉस परसेंट निकालोगे, 10 पर, तो ये 10% आ जाएगा। ठीक, अब आप पढ़ते होंगे तो बहुत सारे तरीकों से आपको पढ़ाया जाता है कि क्रॉस मेथड से, या आप पास पास दूर दूर के गुणा कर लो। भाई बहुत सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना, आपको क्वांटिटी बराबर करनी है। ठीक, अब वो शुरुआत है तो थोड़ा सा डिटेल से भी बता दिया, बाकी जैसे ही आपको ये पता चल गया कि भाई इस क्वेश्चन में होता क्या है, क्वांटिटी बराबर होती है, और क्वांटिटी यदि बराबर है तो फिर मैं क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दूंगा, मैं केवल किस पर ध्यान दूंगा, प्राइस पर। तो क्वांटिटी बराबर करनी है और तुलना करनी है प्राइस की। तो आपको पता है कि 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे 3 को नीचे, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कॉस्ट प्राइस हो गया 10, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सेलिंग प्राइस हो गया 9। तो ये CP है, ये SP है, कितना लॉस दिख रहा है, 1, और किस पर दिख रहा है, 10 पर, ये टोटल आपका 10% लॉस हो जाएगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन में हम यही करने वाले हैं। जैसे ये सेकेंड क्वेश्चन है, आप एक बार वीडियो पॉज करके फटाफट से कर भी सकते हैं। कह रहा है कि आपने 5 रुपए के 4 की दर से सेब खरीदे, 4 सेब खरीदे हमने 5 रुपए में, और 4 रुपए के 5 की दर से बेचे, 5 सेब हमने बेच दिए 4 रुपए में। सर खरीद कर लाए हैं आप कितने सेब, 4, बेचे आपने 5 सेब हैं, क्वांटिटी बराबर करो, तो 5 को यहां मल्टीप्लाई करोगे 4 के यहां, तो आपका ये 5 × 4 = 20 होगा, ये भी 20 होगा, और इनका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 25 और सेलिंग प्राइस हो जाएगा 16। ठीक है, देखो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 20, मतलब हमने 20 oranges खरीदे होंगे और 20 ही बेचे होंगे, और 20 का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 25, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 16। तो यहाँ मुझे लॉस हो रहा है, सर कितना लॉस हो रहा है, 9 रुपए का, और लॉस किस पर निकालोगे, कॉस्ट प्राइस पे 25 पर।
आप इसको कैलकुलेट करने जा रहे होंगे कि 36% लॉस आएगा, कितना आएगा 36%। बहुत सिंपल प्रोसेस है, बड़े आसान से क्वेश्चन होते हैं। यहाँ कह रहा है कि 8 रुपए में 9 केले खरीदे, तो मैंने 9 केले खरीदे 8 रुपए में और फिर 9 रुपए में 8 बेचे, ठीक है, तो 8 बेचे मैंने 9 रुपए में, मुझे क्वांटिटी इक्वल करनी है, तो यहाँ 8 से यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, तो 8 8 64 होगा और 9 9 81, मतलब मैंने 64 के खरीदे हैं, 81 के मैंने बेचे हैं, तो टोटल यदि देखें तो मुझे कितना प्रॉफिट है 17 और किस पे है 64 पे। अब ऐसे कैलकुलेशन को अप्रोक्सीमेट किया करो लॉजिकली, थोड़ा सा सोच के। एक तो सर मुझे प्रॉफिट है, लॉस नहीं है, ये दो ऑप्शन छट गए। अब ये दो ऑप्शन को ध्यान से देखो, बहुत बड़ा अंतर है, तो अप्रोक्सीमेट सोच सकते हो। 17 की टेबल पढ़ते हैं तो 17 की टेबल में 4 times 68 आता है, ये 68 से थोड़ा सा कम है, मतलब 4 से थोड़ा सा कम आएगा, तो मैं 4 ही लिख लूं। यदि ये 4 आता ये 25% होता, लेकिन ये 4 से कम आएगा तो 25% से ज्यादा होगा, तो एक ही ऑप्शन है जो 25% से थोड़ा सा ज्यादा है प्रॉफिट में, लॉस नहीं है, क्या है प्रॉफिट है, और एक ही ऑप्शन है। तो अभी 3 क्वेश्चन मैंने कर लिए, अब आप लॉजिक समझ गए होंगे, तब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे दोगे, ठीक। एग्जामिनर आजकल ऐसा भी कर रहा है डायरेक्टली, बच्चे जो रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो सीधे सीधे पूछ लेता, ठीक। अब आपने यदि बेसिक सही से नहीं समझा है, पास पास दूर दूर या क्रॉस मल्टीप्लाई, तो चीजें हो सकता है आपको कंफ्यूज कर दें। करें कि एक्स अमरूद 22 रुपए में, ठीक है, तो अमरूद कितने हैं एक्स, वाई रुपए में हमने खरीदे, और वाई अमरूद एक्स रुपए में बेचे, वाई अमरूद एक्स रुपए में बेचे, ये क्वांटिटी है जो कि बराबर करनी है। तो इसके लिए आप यहां वाई से मल्टीप्लाई करोगे और यहां एक्स से, तो ये वाई स्क्वायर हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये कॉस्ट प्राइस हुआ, ठीक है, ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। अब देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्स ग्रेटर देन है वाई, एक्स वाई से बड़ा है, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हो रहा है, एक्स वाई से बड़ा है तो मुझे प्रॉफिट है, और प्रॉफिट परसेंट बताना है तो उसके लिए क्या करोगे, एसपी माइनस सीपी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन सीपी, मतलब वाई स्क्वायर इंटू 100, ठीक है, ये आपका ऑप्शन बनेगा। अब ये लॉस तो है नहीं, क्या है प्रॉफिट है, तो डी ऑप्शन आप बनाओगे। तो ये 4 क्वेश्चन एकदम सेम क्वेश्चन थे, वही चीजें सभी में हो रही हैं, कोई एक क्वांटिटी हम खरीद के उसको बेच दे रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा सेम क्वेश्चन अभी भी है, तो ये 5th आपका होमवर्क कहलाया, ठीक है, ये आप घर पे खुद से ट्राई करिएगा, ये आपके लिए है। 20 23 में खरीदे, 23 20 में बेचे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको सोचना है। यहां हम कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है, क्या चेंज है वो देख लेते हैं। कह रहा है कि एक व्यक्ति पेंसिलों का एक डिब्बा 9 रुपए में 7 पेंसिल की दर से खरीदता है, उन्हें 11 रुपए में 8 पेंसिल की दर से बेचता है, और यहां पर उसे टोटल 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो कुल कितनी पेंसिल थी। अब इस बार मेरे से प्रॉफिट परसेंट नहीं पूछा गया है, बल्कि उसकी जगह मुझे टोटल प्रॉफिट दिया है, तो कैसे करेंगे। कह रहे कि एक व्यक्ति पेंसिलों का एक डिब्बा 9 रुपए में 7 पेंसिल की दर से खरीदता है, 7 पेंसिल उसने खरीदी हैं 9 रुपए में, ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई, ये रुपए हो गया, और उन्हें 11 रुपए की 8 पेंसिल की दर से बेचता है, 8 पेंसिल बेचता है 11 रुपए में। सर जो अभी तक हम करते आ रहे थे कि क्वांटिटी हम इक्वल करेंगे, वो हम यहां भी कर लेते हैं, क्वांटिटी हमें इक्वल करनी है वो करनी पड़ेगी, तो हम करते हैं। तो हमने यहां 8 से मल्टीप्लाई करना होता है और यहाँ 7 से, तो हमें दिख रहा है कि 8 7 या 56 और 8 9 या 72, तो 56 आपने 72 रुपए में खरीदे, 7 8 या 56 और 7 11 77, मतलब आप 72 में खरीद कर लाए हो और आपने 77 में बेच दिए भाई, तो मुझे प्रॉफिट है, कितना प्रॉफिट है 5 रुपए का, और 5 रुपए का प्रॉफिट कब है, जब मैंने 56 खरीद कर 56 बेचे, मतलब यदि मैं 56 ऑरेंज खरीद कर उनको बेच देता हूं तो मुझे 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, 5 रुपए का प्रॉफिट है 56 ऑरेंजेस के या पेंसिल के, 56 पेंसिल के ट्रांजेक्शन में मैंने 56 पेंसिल खरीद की और बेच दी, तो मुझे 5 रुपए प्रॉफिट हुआ।
क्वेश्चन के हिसाब से प्रॉफिट तो 10 रुपए है, तो 10 रुपए प्रॉफिट के लिए कितनी पेंसिल होनी चाहिए? तो अब यूनिटरी मेथड लगेगी, ठीक है, 5 रुपए पर 56, तो 10 रुपए पर कितना? तो अभी दिख रहा है मुझे कि ये सीधा प्रॉफिट मेरा दोगुना हो गया, तो पेंसिल भी मुझे क्या करनी पड़ेगी? दोगुनी करनी पड़ेगी। तो 56 का डबल करोगे तो कितना आएगा? 112। यूनिटी लगानी है, 5 से डिवाइड करोगे एक्चुअल में और 10 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये डायरेक्टली यही सोचा भी जा सकता था, ठीक। तो एक अब जैसे मैंने बोला कि ये पैटर्न पे लगभग 4-5 टाइप के क्वेश्चन पूछता है। शुरुआत में 4-5 क्वेश्चन में हमने प्रॉफिट परसेंट समझ लिया। इस क्वेश्चन में क्या है कि ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस देके हमसे टोटल क्वांटिटी पूछेगा, ठीक है। फिर एक और टाइप बनेगा, वो भी आगे देख लेते हैं। यहां फिर वैसा ही क्वेश्चन है, अभी भी टोटल प्रॉफिट है। वीडियो पॉज करो, आप खुद से ट्राई करो कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है, कमेंट में बताओ, फिर आप सॉल्यूशन देखिएगा, ठीक। क्या है कि एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 13 में 15 की दर से खरीदी, 15 वस्तुएं 13 रुपए में खरीद ली, ठीक सर, खरीदी और 17 रुपए में 18 की दर से बेच दी, 18 बेची 17 रुपए में। तो पहला काम तो है हमारा क्वांटिटी को इक्वल करना, सर क्वांटिटी ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कर लो। पूरे गणित में कभी भी इस तरीके से आप कोई दो अलग अलग रेशियो लिखे हैं, आप उनमें कुछ भी इक्वल करना चाहो, तो इक्वल करने का तरीका ये होता है कि आप ऐसे किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो जिससे कि वो इक्वल हो जाए। तो उसके लिए आप उनका एलसीएम लेते हैं, मीन्स हमें 15 और 18 का एलसीएम लेना है। सर 15 और 18 का एलसीएम होता है 90। कैसे होगा? इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से, तो ये भी 90 और ये भी 90, एलसीएम हमने ले लेना है। तो ये 90 होगा, ये 90 होगा, और 6 से मल्टीप्लाई करोगे ये 78 होगा और ये 85 होगा। तो मुझे यहां दिख रहा है कि भाई 78 की चीज को 85 में बेचने पर 7 रुपए का प्रॉफिट है। 7 रुपए का प्रॉफिट है जब मैंने 90 पेंसिल खरीदी और 90 बेच दी। भाई 90 वस्तुएं खरीद कर मैं बेच दे रहा हूं तो मुझे 7 रुपए का प्रॉफिट है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि आपका टोटल प्रॉफिट इतना है तो वस्तुओं की संख्या बताओ। तो 7 रुपए पे 90 है तो 90 को 7 से डिवाइड करोगे और मल्टीप्लाई करोगे 14.7 से, ही आंसर आ गया। पॉइंट हट जाएगा, 7 से डिवाइड करोगे 21, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 189 जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। वस्तुओं की संख्या कितनी आ जाएगी? 189। तो ये इस पैटर्न का सेकंड टाइप क्वेश्चन हुआ जिसमें आपको ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस देके क्वांटिटी पूछ रहा होता है। ये थर्ड टाइप है, ठीक है। यहां पर आपको एक्चुअल में एक और कंडीशन बढ़ गई, देखो ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहे कि एक व्यक्ति 1 रुपए के 11 की दर से संतरे खरीदता है तथा 1 रुपए के 9 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। एक्चुअल में अब उसने 2 बार चीजें खरीदी हैं, 2 अलग अलग दुकानों से कुछ क्वांटिटी खरीदी और फिर उस क्वांटिटी को पूरा इकट्ठा मिक्स करके बेच दिया। तो पहले तो हम यहां तक की बात कर लेते हैं। भाई 1 रुपए में 11 की दर से संतरे खरीदे, मैंने 11 संतरे खरीदे 1 रुपए में और एक दूसरी दुकान से 9 संतरे खरीदे 1 रुपए में, 9 संतरे खरीदे 1 रुपए में। और क्वेश्चन कह रहा है कि उतनी ही संतरे, मतलब क्वेश्चन में पहले ही लिखा है कि क्वांटिटी जो है ये दोनों जगह बराबर है। तो पहले तो मुझे क्वांटिटी इक्वल करनी है, तो मैंने यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ 11 से, तो ये 99, ये भी 99, ये 9 रुपए और ये 11 रुपए। अब मुझे करना क्या है, इस क्वांटिटी को मुझे मिक्स कर देना और फिर मैं पूरी क्वांटिटी को इकट्ठा कहीं जाके बेचूंगा। तो मैंने 2 जगह से खरीदा, यहां से मैंने 99 खरीदे, यहां से भी मैंने 99 खरीदे, तो टोटल यदि देखें तो मैंने 198 ऑरेंजेस खरीद लिए, ठीक है। कितने संतरे खरीदे? 198, सर 9 और 11 20 रुपए में, 20 रुपए में 198 संतरे खरीदे। अब मैं बेचने गया तो मैंने 10 संतरे बेचे 1 रुपए में, 1 रुपए की 10 की दर से 10 संतरे में 1 रुपए में बेच रहा हूं। सर मैं उतना ही तो बेचूंगा ना जो मैंने खरीदा था, मतलब जो मैंने क्वांटिटी खरीदी है और जो मैं क्वांटिटी बेच रहा हूं वो क्वांटिटी इक्वल होनी चाहिए, तो मैंने जितना खरीदा मैं उतना बेचूंगा। तो अब मुझे ये क्वांटिटी इक्वल करनी है, तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब यहां 10 से और यहां 198 से, तो ये भी 1980 होगा, ये भी 1980 होगा, और 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 रुपए होगा
और इससे इसको करोगे तो 198 रुपए। तो ध्यान से देखो भाई, 200 की चीज 198 बेचा, 2 रुपए का घाटा है, और किस पर है 200 पे। इसको जब आप निकालोगे तो 1% लॉस आएगा। कितना आएगा? 1% लॉस। तो ये इसी पैटर्न का तीसरा टाइप हो गया, जिसमें आप दो अलग अलग जैसे चीजों को खरीद रहे हैं, फिर आपको उनको मिक्स कर देना है और तीसरी जगह जाके आपको बेच देना है। ठीक है, तो एक ही पैटर्न का तीसरा टाइप क्वेश्चन ये है। अब आप फिर से ट्राई कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन को करने की कोशिश करिएगा कि क्या आंसर आ रहा है। कह रहा है कि कुछ संतरे, 5 संतरे 1 रुपए की दर से खरीदे। सर 5 संतरे मैंने कितने में खरीदे? 1 रुपए में। और मैं 4 संतरे 1 की दर से बेच रहा हूँ, 4 संतरे 1 रुपए की दर से मैं बेचे दे रहा हूँ। ठीक है सर, उसने सभी संतरे 9 संतरे 2 की दर से बेच दिए। अच्छा, पहले ये खरीदे कुछ संतरे 5 संतरे 1 की दर से और समान संतरे 4 संतरे 1 की दर से खरीदे। ठीक सर, सर पहले तो जो खरीदी क्वांटिटी है वो बराबर करो, तो यहाँ 4 से और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी 20, ये भी 20, तो टोटल कितना हो जाएगा? 40। टोटल 40 संतरे हो गए। ये सर 4 रुपए के आए, ये 5 रुपए के आए, तो मैंने 9 रुपए के 40 संतरे खरीद लिए। ठीक है, मैं 9 रुपए के 40 संतरे खरीद ले रहा हूँ। अब मुझे बेचना है 9 रुपए के 40 संतरे खरीदे और 9 संतरे 2 रुपए की दर से बेच रहा हूं। ठीक है, 9 संतरे 2 रुपए की दर से, 40 संतरे खरीदे हैं 9 रुपए में, 9 संतरे बेच रहा हूं 2 रुपए में। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि मुझे क्वांटिटी इक्वल करनी है, तो ये भी 360, ये भी 360, 9 से यहां मल्टीप्लाई होगा तो 81 रुपए आएगा और 40 से यहां होगा तो 80 रुपए। तो फाइनली तो यहां मुझे लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ? 1 रुपए का, 1 रुपए का लॉस है। कितने ऑरेंज पर? 360 ऑरेंज पर, 360 ऑरेंज पर 1 रुपए का लॉस है। और क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे फाइनली 30 रुपए का घाटा है। मुझे जो घाटा है वो 30 रुपए का, 1 रुपए का घाटा है 360 वस्तुओं पर, और ओवरऑल घाटा है 30 रुपए का। 30 रुपए के क्या होने चाहिए भाई? 1 की वैल्यू पता है, 30 की निकालनी है तो 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 × 3108 होता है, तो 10,800 ये मेरा आंसर बनेगा। ऑप्शन बी जो है ये आपका करेक्ट होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, चलिए। तो ये एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक ही पैटर्न पे हैं, थोड़ा बहुत चेंज कर रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट दे दे रहा है या 2 क्वांटिटी दे दे रहा है या 3 क्वांटिटी दे दे रहा है, कुछ इस तरीके से चीजें। जैसे ये क्वेश्चन है, कुछ फलों को 100 रुपए में 11 की दर से और उतने ही फलों को 100 रुपए में 9 की दर से खरीदा। यदि सभी फलों को 100 रुपए में 10 की दर से बेचे तो पूरे लेनदेन में लाभ हानि। फटाफट से अब आप कर सकते हो वीडियो पॉज करके। मैंने 11 फल 100 रुपए में खरीदे और मैं उतने ही फल दूसरी दुकान से 900 रुपए की दर से खरीद रहा हूं। तो पहले तो फटाफट मैंने क्वांटिटी बराबर की, यहां 9 से यहां 11 से। सर ये क्वेश्चन तो रिपीट तो नहीं है? वही 99, 99, 198 हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है, वही 198 हो जाएगा जो अभी हमने किया है। बस इतना फर्क पड़ेगा कि इसमें यहाँ पर 0 कम था, वहाँ 1 0 लगा। ठीक है, आना फाइनली यही है। ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया है तो इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से इसको सोचना पड़ेगा, अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। एक दुकानदार ने कुछ पेन 60 रुपए में 20 की दर से खरीदे। भाई 20 पेन खरीदे 60 रुपए में, 20 पेन खरीदे 60 रुपए में, ये क्वांटिटी है। और उतने ही पेन, देखो क्वेश्चन में लिखा उतने ही, मतलब पहले ही लिख दिया कि क्वांटिटी बराबर है, 40 रुपए में 30 की दर से खरीदे, मतलब 30 पेन 40 रुपए में खरीदे। पहला ही पॉइंट लिखा है कि ये दोनों क्वांटिटी बराबर है। ठीक है, इसके बाद उसे पता चला कि उसने सिर्फ 60% पेन ही खरीदे, मतलब उसका कि भाई मुझे जितने भी पेन जरूरत होगी, मतलब मुझे सपोज टोटल 100 पेन खरीदने थे तो मैंने अभी 60 ही पेन खरीदे, भाई मुझे 40% पेन और खरीदना। तो पहले तो मैं ये क्वांटिटी बराबर करता हूँ, सबसे पहले जो क्वेश्चन ने कहा है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसको करेंगे 2 से, तो ये भी 60, ये भी 60, 60 कितना हो जाएगा? 120। मैंने टोटल 120 पेन खरीदे। ठीक है,
120 पेन खरीदे के इतने के, 3 × 60, ठीक है भाई, यहाँ मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 × 60 180, और 2 × 40 80, तो मैंने टोटल 260 रुपए में 120 पेन खरीदे। अब क्वेश्चन कह रहा है कि फिर आपको पता चला कि आपने अपनी जरूरत के 60% पेन ही खरीदे हैं, मतलब ये जो पेन है ये 60% के बराबर हैं, मुझे अभी 40% और खरीदने होंगे। तो एक बात बताओ भाई मेरे, 60% की वैल्यू 120 है, 60% की वैल्यू 120 है, जस्ट डबल है, तो 40 की वैल्यू क्या होगी, 80, मतलब मुझे अभी 80 पेन और खरीदने हैं। मैं फिर से समझा रहा हूँ यहाँ तक के क्वेश्चन को, आप मार्केट गए, आपने एक दुकान पे गए, आपने उस दुकान से 20 पेन खरीद लिए, दूसरी दुकान पे गए 30 पेन खरीद लिए, लेकिन फिर आपने देखा कि भाई अभी तो मेरे जितने पेन मुझे खरीदने थे वो पूरे खरीदे नहीं, मैंने 60% पेन ही खरीदे, अभी और जरूरत है। अब आप तीसरी दुकान पे पहुंच गए, सेस पेन को 75 रुपए में 25 की दर से खरीद रहा है, 25 पेन सर कितने में खरीद रहा हूं, 75 में, और मुझे 80 पेन खरीदना है, तो 25 से डिवाइड करोगे तो एक पेन खरीद रहे हैं आप 3 रुपए में, तो 80 पेन खरीद रहे होंगे 240 में, तो बाकी के जो 80 पेन है वो 240 रुपए में खरीदूंगा। तो फाइनली मैंने 120 और 80 200 पेन खरीद लिए, और 200 500 रुपए के सर, 200 पेन मैंने 500 रुपए के खरीदे, बात समझ गए। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे पेनों को 35 में 12 की दर से बेच दिया, इन सभी पेनों को, मतलब पेनों की संख्या बराबर है, क्वेश्चन वही है भाई, थोड़ा सा उसने भावना को बदल दिया है कहने की, उसने 12 पेन 35 रुपए के हिसाब से, 12 पेन को 35 रुपए के हिसाब से बेचा, सर यही पेन जो खरीदे थे वही तो बेचोगे, तो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, इक्वल क्वांटिटी इक्वल करनी है तो उसके लिए एल तो एलसीएम लो या सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अब क्वांटिटी इक्वल हो जाएगी और फिर मैं केवल पैसे को कंपेयर करूंगा, 12 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सीपी आ जाएगा 6000, और 200 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो 35 × 70 एसपी आ जाएगा 7000। तो फाइनली देखें तो भाई ये सीपी है ये एसपी है, कितना प्रॉफिट दिख रहा है, 0 तो कैंसिल हो जाएंगे एक का, और 6 पर निकालोगे, 0 तो कैंसिल हो गए, एक का प्रॉफिट 6 पर निकालोगे तो 16 × 3 आएगा। अब इस क्वेश्चन को आप नोट करिएगा आराम से, इसको एक बार वीडियो पॉज करिएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा, फिर खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करिएगा, अच्छा क्वेश्चन था बेहतर है, आप यदि एक बार में कर ले जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक बार दो बार तीन बार वीडियो को देखो, खुद से ट्राई करो, डेफिनेटली आपसे बनेगा, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता जो आपसे ना बने, आप बस करना चाहो, एक बार ठान लो कि नहीं यार ये करके रहेंगे, निश्चित है कि सफलता आपके हाथों में ही होगी, आप कर ही नहीं रहे तो ही परेशानी है। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, कुछ आमों को 8 आम प्रति रुपए की दर से खरीदे जाते हैं, कुछ और आम 6 आम प्रति रुपए की दर से खरीदे जाते हैं, दोनों ही मामलों में बराबर का निवेश है। यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया, यहाँ निवेश बराबर है, मतलब आपने अभी तक क्वेश्चन में क्या था कि क्वांटिटी बराबर है, अब मैंने दोनों जगह बराबर निवेश किया, मान लो मैंने कहीं से 100 रुपए में 5 पेन खरीदे, मैंने दूसरी दुकान से 100 रुपए में ही 4 पेन खरीदे, क्वांटिटी बराबर नहीं, इस बार निवेश बराबर है। तो कह रहे कुछ आमों को 8 आम 1 रुपए की दर से खरीदा, 1 रुपए में 8 आम खरीदे, और कह रहा है 6 आम 1 रुपए में, 1 रुपए में 6 आम खरीदे। अब यहाँ निवेश हमारा पहले से ही बराबर है, ठीक है, यदि निवेश बराबर नहीं होता तो हम कर लेते जैसे अभी तक करते आ रहे हैं, और पूर्ण मात्रा को 7 आम प्रति रुपए की दर से बेच दिया। तो पहले तो ध्यान से देखो, मैंने 2 रुपए में 14 आम खरीदे हैं, 2 रुपए में 14 आम खरीदे हैं, और पूर्ण मात्रा को 7 आम प्रति रुपए, सर 1 रुपए में 7 आम बेच रहा हूं, तो 2 रुपए में 2 रुपए के आम खरीदे हैं, 7 आम 1 रुपए में बेच रहा हूं, तो ध्यान से देखो आप 14 आम खरीद कर लाए हैं, यदि मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो 14 आम आप 2 रुपए में बेच दोगे, तो आपने 2 रुपए के खरीदे और 2 रुपए के बेच दिए, तो आपको कोई प्रॉफिट कोई लॉस यहां पर नहीं हुआ, ना लाभ हुआ ना हानि है, ना कोई फायदा है ना कोई घाटा है। ये अलग क्वेश्चन है, भाषा वैसी ही है, लैंग्वेज वैसी थी, मैंने इसको यहां रखा है, ये फिर थोड़ा सा चेंज है, आप वीडियो पॉज करके कोशिश करना चाहो तो कर सकते हो।
कह रहे कि 15 रुपए प्रति किलो की दर से 20 किलो गेहूं खरीदा, 13 रुपए प्रति किलो की दर से 30 किलो गेहूं खरीदा और इस मिश्रण को इतने लाभ पर बेचने के लिए गेहूं को प्रति किलो किस दर से बेचें। तो इसमें तो सीधा सीधा आपको कॉस्ट प्राइस दिया, आपको सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। देखो 15 रुपए प्रति किलो की दर से यदि 20 किलो गेहूं खरीदोगे तो 15 × 20 मतलब आपने 300 रुपए का खरीदा, और 13 रुपए की दर से यदि 30 किलो खरीदोगे तो 13 × 3 390, मतलब हमने टोटल 690 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 690 में। सर कितना खरीदा? 20 किलो 30 किलो, तो हमने 50 किलो 690 में खरीदा, 50 किलो 690 में खरीदा। कह रहे कि इस मिश्रण को इतना लाभ कमाने के लिए तो पहले तो विक्रय मूल्य पता करो। सर 100/3% का मतलब कितना होता है? 1/3, तो 3 रुपए की चीज को 1 रुपए प्रॉफिट पे मतलब 4/3 में बेचोगे तो मेरा जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा वो 690 का 4/3 होगा। लेकिन सर ये सेलिंग प्राइस पूरे 50 किलो का है, मुझे 1 किलो का चाहिए है तो इसको 50 से और भाग कर दो, 1 किलो का चाहिए है तो इसको 50 से और भाग कर दो, यही कहानी है, यही आंसर। ये जीरो कट गया, 3 से डिवाइड करोगे 2 और 3 92 बचे 5 तो 18.4 आ जाएगा। 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 18.4। चलिए एक और क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है, होपफुली आपको कंटेंट समझ आ रहा होगा। मैं सारे क्वेश्चन 2022-23 के क्वेश्चन ले रहा हूँ, वो भी बहुत मेहनत करके हम उसको टाइप वाइज अरेंज करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो कोशिश करें कि यदि आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करते रहें अपने दोस्तों के साथ और लाइक कमेंट जरूर करते हैं। देखिए इससे आपको फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे इससे बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है? आपको कोई चार्ज उसका नहीं लग रहा, कोई पैसा नहीं लगता है, ना मुझे आपके लाइक कमेंट का कोई पैसा मिलता है, बस एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलिए बच्चे जुड़े हैं, कुछ रिएक्शन तो मिल रहा है, ठीक। यार एक लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। कह रहे एक फल विक्रेता को संतरे 15 रुपए दर्जन की दर से तथा उतने ही संतरे 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदता है, इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर 60 रुपए का लाभ कमाता है। तो 15 रुपए दर्जन की दर से, ठीक है, दर्जन पे बात कर रहे हैं तो मैं एक ही दर्जन लिख रहा हूं, एक दर्जन मैंने 15 रुपए में खरीदे और 10 रुपए प्रति दर्जन की दर से खरीदे उतनी ही संतरे, तो उतनी ही संतरे, तो फिर से मैंने एक दर्जन 10 रुपए में खरीदे, तो सर क्वांटिटी पहले से बराबर है तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सीधा जोड़ दे रहा हूं, मैंने 2 दर्जन मेरे 25 रुपए के हो गए, 2 दर्जन 25 रुपए के हो गए और इन सबको 14 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचकर, तो भाई एक दर्जन 14 रुपए में, तो 2 दर्जन का सीधा कॉस्ट प्राइस ये है, 2 दर्जन का ही सेलिंग प्राइस लिखता हूं ना, एक दर्जन 14 में तो 2 दर्जन 28 रुपए में मैं बेच रहा हूं, तो यहां मुझे यदि देखा जाए तो 3 रुपए का प्रॉफिट है 2 दर्जन पर, 60 रुपए के लिए पूछ रहा है, तो 2 को 3 से डिवाइड कर दोगे, 60 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आपका आंसर बन जाएगा 40, ठीक है? तो 40 दर्जन जो है वो आपका आंसर बनेगा। तो ये प्रॉफिट लॉस में बहुत सारे टाइप बनते हैं, सबसे अच्छा टॉपिक है, और पिछले 2023 के आप पेपर देखो, कोई भी पेपर देखो, चाहे SSC का, रेलवे का, स्टेट का, सबसे ज्यादा वेटेज रहा है। मतलब यदि आप मान लो कि किसी एग्जाम में 25 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ्स के, तो 25 में से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है, बात समझ रहे हैं, 25 में से 4 से 5 मतलब 20% वेटेज केवल यही टॉपिक रख रहा है, और उसकी वजह भी है ये टॉपिक बढ़ा है, ढेर सारे इस टॉपिक के अंदर टाइप होते हैं, तो मैं आपको इसलिए टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन इस टॉपिक को जब तक हम टाइप वाइज ना पढ़ें, टाइप वाइज प्रॉपर नोट्स बना के रिविजन ना करें तो पेपर में भूलने की संभावना होती है। बाकी आप लगातार जुड़े रहें, लाइव क्लासेस यदि आपको करनी है तो उसके लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, ठीक है? एप्लीकेशन MPIQ ऑफिशियल है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? एप्लीकेशन पे आप जुड़ सकते हैं, और एप्लीकेशन के अलावा आपको कोई क्वेरी डाउट है तो आप ये नंबर है, इस नंबर को नोट कर लें। बाकी टेलीग्राम पे हमारा चैनल है MPIQ ऑफिशियल, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ये नंबर है, कोई भी क्वेरी है तो आप इस पर पूछ सकते हैं, ठीक। आज की कहानी में इतना ही था, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक सब पढ़ते रहें, थैंक यू।